Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to show you कि किस तरीके से मैंने अचीव करी है ये हाइड्रेटेड लंपी ग्लास लाइक स्किन. सो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत फेमस है और आपने जरूर उसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाइलुरोनिक एसिड. सो हाइलुरोनिक एसिड क्या है? Hyaluronic acid is a humectant that helps retain and preserve moisture into our skin to have a deeply nourished skin from within. And मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में ऑलरेडी इस इंग्रीडियंट के बारे में बात करी है. एंड आप सब लोग जानते ही होंगे कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है L'Oreal Paris का Hyaluronic Acid Serum. This product has done wonders to my skin कि मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से ये मेरी स्किन के ऊपर वर्क करता है. सो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर है परफेक्ट अमाउंट में हाइलुरोनिक एसिड, विच इज 1.5%, विच इज द आइडियल अमाउंट, जो कि आपकी स्किन के अंदर जाके बहुत अच्छे से उसे हाइड्रेशन देता है, नरिश करता है. ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये एनवायरमेंट से सारा मॉइस्चर लेके हमारी स्किन के अंदर फिल कर देता है, जिससे हमें मिलती है इंटेंस नरिशमेंट. हाइलुरोनिक एसिड कैन होल्ड 1000 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट इन वाटर. यस, इट मींस ये हमारे स्किन के अंदर इतना ज्यादा मॉइस्चर फिल कर देता है और उसे लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म नरिशमेंट हमारी स्किन को मिल जाती है. ये जो इंग्रेडिएंट है ना हाइलुरोनिक एसिड, ये हमारे स्किन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर वी क्रॉस 20 इयर्स ऑफ एज ये बनना जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल एंड ड्राई लगने लगती है और एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं. सो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम एक्सटर्नली इस इंग्रेडिएंट को अप्लाई करें, जिससे कि हमारे स्किन में वो कमी जो है वो पूरी हो जाए एंड हमें मिल सके प्लम्पी रेडियंट यूथफुल स्किन. इट रीप्लम्प्स द स्किन इन जस्ट 1 आवर एंड रिड्यूसेस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स. बहुत ही लाइटवेट है, इट डजंट क्लोग पोर्स एंड हैज नो अल्कोहल एंड नो फ्रेग्रेंस एट ऑल. दैट इज व्हाई आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. और ये ना मेरा होली ग्रेल बन गया है. सो नाउ जस्ट क्विकली गेट इनटू द एप्लीकेशन प्रोसेस. सो आफ्टर फेस वॉश, लेट योर फेस ड्राई इन नेचुरल एयर. उसके बाद आई जस्ट टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऑन माई पाम एंड देन पैड इट ऑल ओवर माई फेस. मेक श्योर इट इज प्रॉपरली एब्सॉर्ब्ड इनटू द स्किन. देखो कैसे इंस्टेंटली इसने मेरी स्किन को कितना हाइड्रेशन दे दिया है. माई स्किन फील्स प्लम्पी एंड सॉफ्ट. उसके बाद आई जस्ट लॉक इट विद हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम एंड उसके बाद तो मेरी स्किन और भी ज्यादा हाइड्रेटेड एंड ग्लोसी हो जाती है. आई यूज दिस फॉर बोथ डे टाइम एंड नाइट टाइम एज माई स्किन केयर रूटीन. और आप डिफरेंस जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं. जस्ट लुक एट द बिफोर एंड आफ्टर, किस तरीके से इसने कितने अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेशन दे दिया है और बहुत ही हेल्दी स्किन मुझे मिली है. मार्केट में ना बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल है, बट व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट द L'Oreal Paris हाइलुरोनिक एसिड सीरम इज इसमें माइक्रो हाइलुरोन है, विच इज 50 टाइम्स स्मॉलर, एंड जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के डीप लेयर्स तक बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है. आई माइसेल्फ हैव सीन द डिफरेंस आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए. दिस सीरम इज डर्मेटोलॉजिकली वैलिडेटेड टू रिड्यूस फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स. और ये सारे स्किन टोन्स पे सुटेबल है. इजंट दैट ग्रेट? एंड ये 2 साइजेस में अवेलेबल है. यू जस्ट नीड 3-4 ड्रॉप्स इन एवरी यूज. सो आपकी बॉटल जो है वो काफी लंबे टाइम तक चलेगी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फाइंड द लिंक टू परचेज दिस प्रोडक्ट. और अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करना. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.